हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टोरिंस रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी खीरे की सब्जी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 खीरे, साथ में 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 आलू, थोड़ा सा करी पत्ता और मैंने ली है 4 हरे मिर्च। और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो खीरे पसंद नहीं करते हैं, अगर इसी तरह से आप खीरे की सब्ज़ी बनाएंगे तो जो खीरे पसंद नहीं करते हैं वो भी बहुत ही स्वाद से ये सब्ज़ी खाएंगे। पहले मैं एक खीरा ले लेती हूँ, खीरा की मैं छिलके निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने काट ली है और अब मैं इसे रगड़ूँगी। ये देखिए झाग निकल आई है, जो खीरे की कड़वापन होता है वो निकल जाए। ये देखिए, और अब मैं ये ऐसे काट लूँगी और अब मैं दूसरे साइड में से भी ऐसे ही करूँगी। ये देखिए ऐसे ऐसे करने से खीरे का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। ये देखिए झाग निकल आई है और अब मैं ये ऐसे काट लूँगी और अब मैं छिलका निकाल लूँगी ऐसे करके। और 3 मैंने ली है और तीनों का भी मैं ऐसे ही छिलका निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने खीरा ऐसे काट टुकड़े कर लिया है और इसके साथ मैं पतला और लंबा करके प्याज काट ली है और मैं आलू भी टुकड़े कर लिया है और हरे मिर्च मैंने 2 टुकड़े कर लिया है और टमाटर मैंने थोड़ा छोटा करके काट लिया है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से काट ली है और अब मैं बनाऊंगी खीरे की एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है। जो खीरे पसंद नहीं करते हैं वो भी ये सब्ज़ी खाएंगे और अब मैं बनाऊंगी खीरे की सब्ज़ी। मैं खीरे की सब्ज़ी बनाऊंगी प्रेशर कुकर में और इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ली है, थोड़ा सा गर्म कर लिया है और 1 चम्मच मैंने सरसों की तेल डाली है। तेल भी थोड़ा सा गर्म हो गया है और अब मैं डालूंगी प्याज। प्याज में थोड़ा सा भून लूंगी ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। ये देखिए मैंने प्याज भून ली है और अब मैं डालूंगी खीरा। खीरे के साथ मैं डाल रही हूँ आलू और अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी प्याज के साथ। अच्छी तरह से मैं 1-2 मिनट भून लूँगी। आप लोग आलू ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आलू देने से बहुत ही अच्छी लगती है, सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए मैंने 1 आलू ली है। आप चाहे तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं। मैंने खीरे और आलू अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं डालूंगी टमाटर और उसके साथ हरे मिर्च भी मैं डालूंगी। और अब मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच अदरक की पेस्ट, उसके साथ ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता 3 टुकड़े करके और मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप लोग वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मेरे वीडियो स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अब मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और उसके साथ मैं डाल रही हूँ कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सारे मसाला मिलाकर मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं डालूँगी पानी। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, 1 कप से थोड़ा सा मैंने कम डाली है
क्योंकि खीरे में भी पानी होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाली है। और अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और दो सीटी मीडियम आंच में लगा लूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने दो सीटी लगाई है और अब ये कुकर ठंडा भी हो गया है। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाली है। और ये देखिए, आप लोग रोटी चपाती पराठा के साथ खाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब मैं लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा चम्मच जीरा, दो मैंने ले लिया है सूखी मिर्च, लाल सूखी मिर्च, और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ पीला सरसों की दाना, और एक चम्मच मैं ले रही हूँ घी, और उसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। ये देखिए, मैंने घी गरम कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा और गरम करना पड़ेगा। ये देखिए, घी गल चुका है और अब मैं डालूँगी सूखी मिर्च, ज़ीरा और सरसों की दाना, और अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। आप जब भी खीरे की सब्ज़ी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और अब मैं डालूँगी करी पत्ता। करी पत्ता डाल देने से खीरे के सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी बन जाता है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं तड़का लगा दूंगी। ऐसे करने से बहुत ही खीरे की सब्ज़ी स्वादिष्ट बन जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। और अब मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हमारे मज़ेदार खीरे की सब्ज़ी रेडी हो गई है और अब आप लोगों को मैं एक प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी टेस्टी खीरे की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप लोग जब खीरे की सब्ज़ी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाइए, आप लोगों को खाकर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग ये रोटी चपाती और पराठा के साथ खाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। थैंक यू।